And I've done my MSc in International Development Management from Nottingham University. So having done the intro, I think let's just move on to our main topic. Aaj ke hamare jo do lecture hain, they will be centered on the economic challenges being faced by Pakistan and what are the prospects in that regard. पहले हमारा ये एक लेक्चर होता था बट देन सम स्टूडेंट्स हैड दीज इश्यूज के यू नो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जाए. सो नाउ वी हैव लाइक टू लेक्चर्स जो कि स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर होंगे. तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू मेक समथिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट आज का जो लेक्चर है इट इज नॉट स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्योरी और एनी हार्ड एंड फास्ट इकोनॉमिक साइंस. इट्स जनरल नॉलेज. सो जनरल नॉलेज के हिसाब से एज बीइंग सीएसएस एस्पिरेंट्स यू गॉट टू बी अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड इकोनॉमिक रियालिटीज ऑफ योर कंट्री. सो दैट इज बेसिकली जनरल नॉलेज. सो उसके लिए यू डोंट नीड टू हैव अ बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स. सो अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ सो मुझे तो प्रॉपर यू नो आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दोज बेसिक यू नो economic fundamentals. So you don't need to worry about that because ye economy se related jo questions bhi hote hain ye aapke jo exams hote hain based on the general knowledge unke andar hi aate hain. और अगर आपने पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड देखा हो खासतौर पे पिछले साल आपके मोस्ट ऑफ दीज आपका जो पाक अफेयर्स और योर current affairs, even your essay exam, it had a lot of topics which were directly, indirectly related to, you know, economics. Achha, I've been having these issues ke kisi ko meri awaaz nahi aa rahi hai. Am I audible? Okay, that's good. अच्छा ठीक है. So basically पहले तो you guys don't have to freak out कि अच्छा economy से related चीजें हैं हमारा कोई background नहीं है मुझे नहीं समझ आएगी. सबसे पहले तो you know just relax and these are important things. Just try to understand them क्योंकि economy से related अगर कोई question आता है तो वो it's more like a bonus question because बहुत ज्यादा लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं फेयरिंग के अच्छा हमारा कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है. बट वो बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन होता है. इफ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप वो सवाल कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स उसमें आपका स्कोर का चांस हाई होता है बिकॉज वेरी फ्यू पीपल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. सो हाँ मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कराऊंगी एंड इन बिटवीन क्योंकि आज हमारे दो लेक्चर इसमें हैं इन बिटवीन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग जस्ट राइट इट डाउन सो दैट मैं आप लोगों को साथ ही साथ वो चीज क्लियर करती जाऊं. और पहले अपने दिमागों में से बात निकाल दो कि यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड तो चीजें समझ नहीं आएंगी. आई विल मेक थिंग्स मतलब इट विल बी लाइक स्पून फीडिंग कि मैं आप लोगों को बहुत आसान वे में समझा रही होंगी और मैं आप लोगों को सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना कि आप लोगों को एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. डू नॉट ट्राई टू डिग डीपर क्योंकि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं देना. और सी एस एस में इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस कि आपके पास जो लिमिटेड नॉलेज होता है हाउ यू हैव टू फ्रूटफुली यूज दैट लिमिटेड नॉलेज बाय हैविंग अ वेरी एप्ट sort of analysis. ठीक. So start करते हैं. सबसे पहले तो आप लोगों को मुझे भी यहाँ पे किसी का question आया कि GDP और GNP क्या होता है. ठीक है. आप लोगों को कभी भी exam में कोई ये फर्क नहीं पूछेगा कि what is GDP and what is GNP. So what you really need to understand is GDP कि gross domestic product क्या होता है. So हम पहले start ही कर लेते हैं GDP से. अच्छा gross domestic product इसकी जो abbreviation है अगर आप इस तरह देखो तो जीडीपी इसकी टोटल वेल्थ ऑफ पाकिस्तान इन अ ईयर और इन अदर वर्ड्स इट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन पाकिस्तान इन अ ईयर. ठीक. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको और ज्यादा आसान वे में समझाना हो तो दैट वुड बी कि पाकिस्तान में एक साल में पाकिस्तान जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को डोमेस्टिकली बना रहा है ना उन सब की मार्केट वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं ना द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन पाकिस्तान इन अ ईयर इफ यू सम द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दीज गुड्स तो आपके पास आपका जीडीपी आ जाता है जो हमारे केस में इट इज समवेयर अराउंड 330 बिलियन
डॉलर का हमारा जीडीपी है एंड पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट पॉपुलेशन के हिसाब से, और फिर भी उसके बावजूद अगर आप देखें तो आपका जीडीपी का साइज इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू योर ओन साइज एज कम्पेयर टू योर ओन नीड्स. उसके दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं. एक तो ये है कि अ लार्जर पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी रिमेन्स अनडॉक्यूमेंटेड. आपकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी है अभी तक इनफॉर्मल है जो कि डॉक्यूमेंट नहीं होती, इसलिए वो इसका पार्ट नहीं बनती. इन रियलिटी तो ये फिगर ज्यादा होगा बिकॉज अ लार्जर पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी रिमेन्स इनफॉर्मल एंड अनडॉक्यूमेंटेड. ठीक. दूसरा इससे बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान का जीडीपी क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, बिकॉज पाकिस्तान रिक्वायर्ड रेट पे ग्रो नहीं कर रहा. अगर आपकी इकोनॉमी में रिक्वायर्ड रेट के ऊपर बिजनेस नहीं हो रहा, दैट मींस आपकी इकोनॉमी में यू नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसकी वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि यू आर स्टक इन द लोअर इनकम ट्रैप. और पाकिस्तान का सिंस इट्स इंसेप्शन सबसे बड़ा मसला ही ये है कि वी आर स्टक इन द लोअर इनकम ट्रैप. अच्छा ये मेरी बात सुने, अभी ये जो आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट क्या होता है, जस्ट होल्ड योर क्वेश्चन फॉर नाउ, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो जिस चीज का यहाँ पे कोई लिंक नहीं ना बनता, जस्ट डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग इन दोज क्वेश्चन. मैं आप लोगों को एक प्रॉपर फ्लो में लेके जाऊंगी एंड आई विल मेक श्योर, जस्ट बी पेशेंट, कि मैं आप लोगों को हर जरूरी चीज में भी एक्सपोर्ट्स ट्रेड डेफिसिट जो भी है मैं आप सबको समझा के जाऊंगी. सो जस्ट गो विद द फ्लो, होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट. जो चीज मैं समझा रही हूं ना फॉर द टाइम बिंग, उसको सुन लो, उसको समझ लो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछना. ठीक. यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन रिलेटेड टू समथिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. अगर आप बीच में और क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जिनका इससे कोई लिंक नहीं है तो फिर उससे फ्लो खराब होगी. सो जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंक्स सो दैट आप लोगों के दिमाग में कोई खिचड़ी ना बने. क्लियर. ओके. सो अभी हम लोग बात करें जीडीपी की. सो हमने ये चीज एस्टेब्लिश कर ली कि जीडीपी क्या है. जीडीपी इज बेसिकली एक साल में ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन पाकिस्तान, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है ना, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू, उसको आप ऐड करें तो यू गेट योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना कि इट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान इन अ ईयर, इट इज द टोटल वेल्थ ऑफ अवर इकोनॉमी फॉर अ ईयर, फॉर अ स्पेसिफिक ईयर. ठीक हो गया. अब जो आपके पास जीएनपी होता है ना, जीएनपी के अंदर बेसिकली आपकी जीडीपी प्लस आपको बाहर से जो अमाउंट रिसीव हो रही होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आप इसमें ऐड करते हो. मतलब फॉर एग्जांपल आपकी उसमें जो इंपोर्ट से ये जो आपको आती है प्रोसीड्स, ठीक, वो भी अगर आप इसमें ऐड कर दो तो वो आपका जीडीपी प्लस योर you know inflow of dollar from imports minus your outflow of dollar from exports, तो वो आपके पास जीएनपी आ जाता है. ठीक है. लेकिन आप लोगों के लिए जीएनपी की तय में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रियली, मतलब मैंने आज तक कभी कोई इस तरह का सवाल नहीं देखा एक्सेप्ट अगर आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जीडीपी जो है उसमें प्लस करो इम्पोर्ट्स और उसमें से माइनस करो एक्सपोर्ट्स, तो ये आपका जो है ना, ये आपका जीएनपी बन जाता है. ठीक है. बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, देखो सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है ना, क्या है आपका जो जीडीपी है, जीडीपी इज एवरीथिंग जो कि आपने डोमेस्टिकली बनाई हुई है, उसके अंदर आपके पास फॉरेन अमाउंट जो है डॉलर कितना आ रहा है. इम्पोर्ट से आपका इनफ्लो ऑफ डॉलर होता है, एक्सपोर्ट से आपका आउटफ्लो होता है. इनका जो नेट है ना, मतलब आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, ठीक, वो आप जीडीपी में ऐड करते हो तो आपका जीएनपी बन जाता है. सिर्फ इतना सा फर्क है. ठीक है. क्लियर हो गया. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम, इम्पोर्ट में तो पेमेंट करनी होती है. इम्पोर्ट आपकी आउटफ्लो होती है ना और एक्सपोर्ट आपकी इनफ्लो होती है. ठीक है. एक्सपोर्ट से आगे इनफ्लो, इससे आगे आउटफ्लो, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होती है. इसका जो आपके पास नेट आता है ना, वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, वो आपने इसमें ऐड करना है. यार ये सिंपल मैथ है. आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो ये आपका जीएनपी हो गया. आई होप इट्स क्लियर बाय नाउ. Now that we have understood के GDP क्या होता है, GDP is basically the total production. अब अगर अक्सर आप लोगों ने word सुना होगा GDP growth rate,
तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ रेट इज बेसिकली कि आपकी इकोनॉमी जो है उसने एक साल से दूसरे साल में कितना इम्प्रूव किया है, या कितना वो खराब हुई है, या वो स्टैटिक रही है, वो स्टैगनेट रही है. ठीक. सो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अगर आप देखें कि 2008 से लेके अब तक पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा है, तो आप सारे सालों के ग्रोथ रेट की एवरेज निकाल लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि 2008 से लेके 2020 तक हमने जीडीपी में, हमने अपनी टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें हाउ हैव वी फेयर्ड, हैव वी इम्प्रूव्ड, हैव वी डन रियली बैड, और हैव वी जस्ट स्टैग्नेटेड. सो पाकिस्तान के जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में तो आई थिंक यू विल बी वेल अवेयर ऑलरेडी कि एज कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज, यू हैव दी एग्जाम्पल फॉर बांग्लादेश, यू हैव दी एग्जाम्पल फॉर चाइना, यू हैव दी एग्जाम्पल फॉर इंडिया, जो कि इस वक्त राइजिंग एशियन इकोनॉमी है, दे हैव हैड अ स्टेबल ग्रोथ पाथ. मतलब पिछले सालों में उनकी ग्रोथ का पाथ इज ऑन एन अपवर्ड ट्रिजेक्ट्री, एंड उसके बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग बाद में जाके उनको देखेंगे. फॉर पाकिस्तान आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पाथ है ना, इट हैज बीन लाइक अ बम्पी रोड. कुछ सालों में एक दो साल यू डन वेल, फिर आप नोज डाइव करते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं. अभी देखिए जब वी हैड नून लीग तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अनएक्सपेक्टेडली इट वेंट अप टू 5.7 यू नो परसेंट. सो वी हैड दोज यू नो गुड थॉट्स के यू नो वी विल इम्प्रूव यू नो फर्दर. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दैट वॉज आर्टिफिशियल ग्रोथ. पाकिस्तान का मसला ये है, द रीजन वी आर स्टक इन द लोअर इनकम ट्रैप, बिकॉज आपकी ग्रोथ के जब भी कुछ इस तरह के अच्छे पाथ आए हैं, दैट हैज बीन आर्टिफिशियल ग्रोथ, जो कि आपकी फ्लक्चुएशन लेके आती है. फिर जैसे ही वो रिजीम गई, यू हैड यू नो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर आपके पास एक नया सिस्टम आता है. सो फिर हम नोज डाइव किए, वी ड्रॉप टू 3, वी फर्दर ड्रॉप टू 2.5, और फिर कोविड के बाद हम 2 से भी नीचे आ गए. ठीक. सो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का ये सारा सिनेरियो है. सो अब आप लोगों को ग्रोथ का भी, ग्रोथ रेट, यस ग्रोथ रेट किस चीज का होता है भाई? ग्रोथ रेट सिर्फ जो है, अगर आपसे खाली ग्रोथ रेट की भी बात हो रही है तो दैट वुड रिफ्लेक्ट कि इट हैज समथिंग टू डू विद योर जीडीपी ग्रोथ रेट. ठीक. ये जीडीपी है, एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई. अगर आपने देखना है कि पिछले एक साल में या पिछले कुछ सालों में आपने कितना इंप्रूव किया है, आप स्टैटिक हैं या आपने डिटीरियोरेट किया है, तो आप ग्रोथ का पाथ चेक करते हैं, आप ग्रोथ रेट चेक करते हैं. यार आर्टिफिशियल ग्रोथ में आप लोगों को आगे जाके समझा दूंगी कि क्या होती है. अगर आपको आसान अल्फाज में समझाना हो तो आर्टिफिशियल ग्रोथ वो होती है जिसकी कोई फाउंडेशंस नहीं होती. हमेशा ग्रोथ वो होती है जो कि आपकी सस्टेनेबल हो, जिसकी कोई फाउंडेशन हो, जिसका एक प्रॉपर सस्टेनेबल पाथ हो. हमारे केस में प्रॉब्लम ये है कि वी हैव यू नो अ नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यू नो नॉट सो वेरी सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ, जो कि मैं आप लोगों को ग्रेजुअली समझाऊंगी कि वाई आर वी स्टक इन द लो इनकम ट्रैप और हमारी ग्रोथ आर्टिफिशियल क्यों है. अभी पहले साइड बाई साइड ये सब चीजें जो है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम. अच्छा, अब इसके बाद वी आर डन विद द जीडीपी. अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. मुझे एक बात बताओ यार, आप लोगों को कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि हाउ डू वी कंसॉलिडेट सर्विसेज इन द जीडीपी? सिंपल सी बात ये यार, आपकी इकोनॉमी में जितनी भी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कंस्ट्रक्शन, यू हैव ट्रांसपोर्टेशन, यू हैव आईसीटी, इनकी जो एक वैल्यू होती है, आपने वैल्यू लेनी होती है. डोंट ट्राई टू बिकम इकोनॉमिस्ट ओवर हियर. मैंने आप लोगों को लेक्चर में आने से पहले बहुत अच्छे तरीके से एक चीज समझाई थी, डू नॉट डिग डीपर. आप लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, फिर आप देखें ग्रोथ रेट क्या है. अब कैसे आप जीडीपी को निकालते हैं, नोबडी विल एस्क यू दैट क्वेश्चन. मैं इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे चुकी हूँ सीएसएस में, आई टीच इट, लेकिन मुझसे कभी आज तक इवन इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी ये सवाल नहीं पूछा गया. सो डू नॉट ट्राई टू बिकम साइंटिस्ट. आप लोगों ने जनरल नॉलेज का एग्जाम देना है. सो जस्ट ट्राई टू फ्लोट ऑन द सर्फेस. मैं आप लोगों को उतना ही समझाऊंगी जितना कि आप लोग नॉलेज को एब्जॉर्ब कर लो और एग्जाम में जाके उसको बेस्ट वे में उसका जवाब दे सको. हमारे दो लेक्चर्स का मकसद ये नहीं है कि वी बिकम दोज साइंटिस्ट. मैंने एग्जाम दिया हुआ सीएसएस का खुद, and I teach it as well. So trust me, believe me for one thing, do not dig deeper. जहां पे आपको जरूरत नहीं है ना,
कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ से आ जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को पूरा एक लेक्चर यहाँ इस चीज के ऊपर दे दूं कि जीडीपी हम किस तरह से निकालते हैं, उसका प्रॉपर एक कोर्स होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, आई कैन नॉट डू दैट एंड आई एम नॉट सपोज टू डू इट एंड यू नॉट सपोज टू डू इट ईदर बिकॉज नोबडी विल आस्क यू दैट क्वेश्चन। सो एक चीज की बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यू डोंट हैव टू गो टू इट्स रूट्स, यू जस्ट नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट राइट। सो जस्ट डू दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बाय नाउ। मैं आप लोगों को खाली वही चीज समझाऊंगी जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है? चलें, अभी वी डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो यू वुड हैव एनकाउंटर्ड अ टर्म लाइक ट्विन डेफिसिट्स, ठीक है, जो कि पिछले कुछ 6-7 सालों से हमारा बहुत बड़ा मसला है। अव्वल तो इट हैज बीन अ प्रॉब्लम सिंस 1947, लेकिन अब पिछले 10-20 सालों में ये आपका बढ़ता जा रहा है डेफिसिट। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ट्विन का मतलब होता है दो, ठीक। अब ट्विन में आपके पास दो क्या डेफिसिट हैं? फर्स्ट यू हैव योर फिजिकल डेफिसिट एंड देन यू हैव योर करंट अकाउंट डेफिसिट। इसको तो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। पहला वाला जो लेक्चर है हम इसके ऊपर जाएंगे कि व्हाट इज अ फिजिकल डेफिसिट, ये क्यों होता है और इसकी रिपरकशंस क्या होती हैं, ठीक। सो वी स्टार्ट ऑफ विद फिजिकल डेफिसिट। सबसे पहले तो आप लोगों को इस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि फिजिकल क्या होता है, ठीक। फिजिकल आप इस तरह समझे कि कोई भी जो स्टेट है, एनी स्टेट इन द वर्ल्ड हैज टू बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक होती है उसकी फिजिकल पॉलिसी, दूसरी होती है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी के अंदर जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ये सुन लें कि एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मनी दैट इज रेगुलेटेड थ्रू द मॉनेटरी policy of the state and it is the prerogative, it is the mandate of the State Bank of Pakistan. Kisi bhi mulk ka jo central bank hota hai na, that is responsible for controlling the monetary aspects, policy jo hai. Wo aapki state ka nahi, wo aapka jo central bank hota hai, hamare case mein jo ki state bank hai, wo uska mandate hai. Theek? Ab hamari economy mein kitna rupee float karna hai, hamare banks mein loan ka interest rate kya hoga, सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर, एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मनी इज कंट्रोल थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द स्टेट व्हिच इज द मैंडेट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सिंपल, ठीक। अब हम आते हैं टू आवर मेन टॉपिक, अभी दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्या होता है फिजिकल? अब कोई भी जो स्टेट है, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन एक्सपेंडिचर्स, राइट। अब जो स्टेट के एक्सपेंडिचर्स हैं, टू इनकर दोज एक्सपेंडिचर्स यू नीड टू हैव सम इनकम ना। अब वो स्टेट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, दे आर टू बी फाइनेंस्ड बाय सम इनकम। अब स्टेट की जो इनकम है वो क्या होती है? स्टेट की इनकम इज ऑल द टैक्सेस एंड रेवेन्यूज जो कि हम स्टेट को देते हैं, ठीक। सो जब हम स्टेट को वो टैक्सेस और रेवेन्यूज देते हैं, उन रेवेन्यू से स्टेट अपने एक्सपेंडिचर्स को स्पॉन्सर करती है एंड दीज टू ऑपरेशंस ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड योर फिस्कल ऑपरेशंस। सो बेसिकली फिस्कल की दो साइड हो गई, यू हैव रेवेन्यूज, इन रेवेन्यूज को इकट्ठा करके स्टेट अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करती है और इन दोनों की मैनेजमेंट को आप कहते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। आई होप इट्स क्लियर बाय नाउ, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो डेफिसिट है ये कहां से आता है। ये तो इसको देख के आप लोगों को नेचुरली यू वुड अंडरस्टैंड कि व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स, व्हेन योर रेवेन्यूज फॉल शॉर्ट टू मीट योर एक्सपेंडिचर्स, तो आपके पास आता है गैप डेफिसिट, ठीक। अब हमने देखना है कि व्हाई डू योर रेवेन्यू फॉल शॉर्ट टू मीट योर एक्सपेंडिचर्स, आई मीन व्हाई डू यू हैव दिस डेफिसिट इन द फर्स्ट प्लेस। सो हम जरा रेवेन्यूज को ब्रेकअप करके देखते हैं कि पाकिस्तान के पास मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स अराइज क्यों हो रही है, व्हाई इज पाकिस्तान नॉट कलेक्टिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज।
So for any state in the world, the most important source of revenue is taxes. I will put a star over here. ये आपका एक star है which says कि taxes are the most important source of revenue for any state in the world. अब taxes में भी आपकी दो types होती हैं, direct and indirect taxes. ठीक, पाकिस्तान में आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, आपके टोटल टैक्सेस में से ऑलमोस्ट 60% इज कलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस. बाकी का जो रिमेनिंग 40 है दैट इज थ्रू डायरेक्ट. अच्छा ये मुझे बताएं, बार बार क्लास में आके इतना मेरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो पता है इस तरह फिर मुझे बहुत मसला होता है, इसका प्लीज ख्याल करें, थैंक यू. ओके, सो हम बात कर रहे थे कि अच्छा अब हमें देखना है कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है. पहले तो आप लोग ये समझो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या होता है. डायरेक्ट टैक्स हमेशा आप किसी इंडिविजुअल पे लगाते हो, उस इंडिविजुअल की इनकम पे. वी कॉल इट अ हेल्दी टैक्स, वी कॉल इट अ प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि ये आपकी इनकम के लेवल के हिसाब से बढ़ता है. जिस बंदे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और इन अदर वर्ड्स जिस बंदे का इकोनॉमिक स्टेटस जितना अच्छा है वो उतना ज्यादा टैक्स पे करता है. सो वी से इट्स अ प्रोग्रेसिव टैक्स, इट्स अ हेल्दी टैक्स, कि जो जितना टैक्स दे सकता है आप उससे उतना टैक्स एक्सट्रैक्ट करते हो. ठीक, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन on an individual's income. अब उसकी वो इनकम का सोर्स क्या है, दैट कुड बी लाइक वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, दैट कुड बी सैलरी एज वेल, बट इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है. वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स, इसके नाम से आपको अंदाजा होगा ये किसी इंडिविजुअल पे नहीं लगा रहे होते आप. इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा एक ट्रांजेक्शन पे लगता है. तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को एक ट्रांजेक्शन पे लगा रहे होते हैं, सो यू डोंट रियली नो व्हाइल इम्पोजिंग द टैक्स कि कोई बंदा जो ये टैक्स देगा उसकी सोशियो इकोनॉमिक एबिलिटी इतनी है कि वो इस चीज के ऊपर टैक्स दे. फॉर एग्जांपल, यू हैव दिस बॉटल ऑफ मिनरल वाटर. ठीक, अब उस मिनरल वाटर की बॉटल को जब आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, तो उसके ऊपर आप एक जीएसटी देते हो. ठीक, अब वही अगर बॉटल अगर एक गरीब आदमी पी रहा है या एक अमीर आदमी पी रहा है, दोनों ने पीनी है, इट्स अ बेसिक नीड, पानी है, ठीक है, साफ पानी है. बट दैट बॉटल ऑफ मिनरल वाटर वुड नॉट नो कि जो बंदा उसको यूज कर रहा है, इज ही अ पुअर पर्सन और इज ही अ रिच पर्सन. जिस किसी ने भी इस बॉटल को यूज करना है ना, उसने उसको बाय करना है. उस ट्रांजेक्शन में, उस बॉटल की प्राइस में आपका जीएसटी इंक्लूडेड है, जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स है. सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स आप रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उस पर लगा देते हो. ठीक, सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव टैक्स. डायरेक्ट इज अ प्रोग्रेसिव हेल्दियर टैक्स, whereas indirect is a regressive tax. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी इकोनॉमी में इस तरह का टैक्स क्यों रखा हुआ है. हर आपके पास जो एक टैक्स का सिस्टम होता है, इट हैज टू बी अ गुड मिक्स ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट आपने बेसिकली रखे इसलिए होते हैं कि आपकी इकोनॉमी का अगर कुछ हिस्सा अनरेगुलेटेड है, या आपकी इकोनॉमी का कुछ हिस्सा यू नो अनडॉक्यूमेंटेड है, जहां पे यू कैन नॉट पिन पॉइंट के इस ये बंदा जो है ही इज अ यू नो पोटेंशियल टैक्स पेयर, सो आप वहां पे ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगा देते हो. ठीक, सो इट्स अ गुड टैक्स बट टू अ सर्टन एक्सटेंट. हमारे केस में दिस इज नॉट अ हेल्दी मिक्स, बिकॉज वी आर रिलाइंग वेरी मच ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमारे जैसे लो इनकम कंट्रीज में अच्छा नहीं होता, बिकॉज इट अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर. बिकॉज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी पॉलिसी ऑफ टैक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि टैक्स के थ्रू यू बेसिकली मिनिमाइज द इनकम इनइक्वालिटीज. यू टेक अवे फ्रॉम द रिच इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड यू गिव दैट टू द पुअर पीपल. इसको आप कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड दैट हैपेंस थ्रू डायरेक्ट मोड ऑफ टैक्स.
इनडायरेक्ट के अंदर आप हर आदमी के ऊपर एक टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, जिसमें वो अमीर भी है, वो गरीब भी है, वो सब इसके एम्बिट में आ जाते हैं. सो इसीलिए इट्स अ रिग्रेसिव टैक्स. सो पहला पॉइंट हमारा ये निकलता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन है, इट इज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस, विच इज रिग्रेसिव, विच अफेक्ट्स द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर इन द सोसाइटी. ठीक, ये आपका एक पॉइंट हो गया. सो वी गॉट टू चेंज दिस रेशियो अ बिट, वी गॉट टू मूव टूवर्ड्स द डायरेक्ट मोड. उसमें एक दूसरा फायदा जो हमारा दूसरा पॉइंट निकलता है कि हाउ डू वी इम्प्रूव आवर रेवेन्यू बेस, उसके लिए यह है कि डॉक्यूमेंट योर इकोनॉमी. जब आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करते हैं तो बाय दैट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू कैन पिन पॉइंट द पोटेंशियल टैक्स पेयर कि भाई इस बंदे के पास इतनी वेल्थ है, ही इज लायबल टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स. सो ये फायदा होता है ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इकोनॉमी. और अब तो पूरी दुनिया में यू हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मॉडर्नाइजेशन, हमारे पास कुछ चेंजेस आए हैं, बट स्टिल पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो इफ यू आर टू प्रॉपरली डॉक्यूमेंट योर इकोनॉमी. सो दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया है कि पाकिस्तान इज टाइम फॉर पाकिस्तान टू मूव टूवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी सो दैट यू कैन ब्रिंग मोर एंड मोर पोटेंशियल टैक्स पेयर्स टू योर टैक्स बेस. अब जैसे ही आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होना स्टार्ट होगी, डायरेक्टली आपकी रिलायंस ऑन डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगी. ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि व्हाई डू वी रिलाय मोर ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि उसमें फायदा होता है, बिकॉज दीज टैक्सेस आर एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल. इसके लिए आपको कोई खास एक स्ट्रक्चर की, सिस्टम की, रेट ऑफ द स्टेट की जरूरत नहीं होती कि भाई यू हैव टू मेक दोस यू नो कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स, यू हैव टू सी कि अच्छा ये बंदा इतना ज्यादा लायबल है, अच्छा ये वो बंदा है जो के टैक्स वेट कर रहा है. सो इट्स अ लॉट ऑफ होमवर्क एंड एफर्ट. उसके लिए आपका FBR का प्रॉपर फंक्शनल होना बहुत जरूरी है. एंड इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम ऑफ द FBR. जो लोग ऊपर बैठे आपकी बना रहे होते हैं ना कि अच्छा FBR ने इस पॉलिसी को फॉलो करना है, इट्स आई थिंक इट्स द प्रॉब्लम विद दोज पीपल कि वो पॉलिसी सही बनाएंगे तो फिर आगे से जो ऑफिसर है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे. सो येस, ये तीसरा फ्लॉ हो गया कि वी रिलाय मोर ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज आपकी डिपार्टमेंटल कैपेसिटी बहुत लो है टू कंडक्ट कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स एंड टू पिन पॉइंट पोटेंशियल टैक्स पेयर्स. सो इन तीनों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, यू डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी. व्हेन यू डॉक्यूमेंट यू कैन पिन पॉइंट कि अच्छा इतने पोटेंशियल टैक्स पेयर्स बैठे हैं. ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या बनता है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि वी हैव अ वेरी बैड, यू कांट से बैड, बट योर टैक्स कल्चर हैज बीन क्वाइट रॉटन अप ओवर द इयर्स. अब आप देखो आपके पास फॉर एग्जांपल इफ वी मेक अ कंपैरिजन, तो ईयर 2008 में पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो था दैट वाज 8% ऑफ जीडीपी. ठीक है, अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो सुन के आप लोगों ने थोड़ा सा फ्रीक आउट नहीं करना कि क्या चीज है. सिंपल सी बात है कि आपका जो जीडीपी है उसके हिसाब से आप कितना टैक्स इकट्ठा जो है करते हो. ठीक, सो बेसिकली इट शोज कि आपका टैक्स इन कंपैरिजन टू योर जीडीपी इतना है. अच्छा, आप 2008 की हम लोग बात कर रहे हैं, इफ वी गो बैक टू ईयर 2008, तब पाकिस्तान 8% ऑफ द जीडीपी, मतलब इतना आप टैक्स इकट्ठा कर रहे थे 8%. ठीक, अब अगर आप 2020 में आके देखो तो इतने सालों में आपके पास चेंज क्या आया, इतने सालों में आप 8 से उठ के 12.5 पे आ गए हैं. ठीक, which is like you see a change but it's not a remarkable change, it's not the adequate, it's not the required change. agar aap isi ko dekho hum is waqt 12.5 ke upar stuck hain, whereas agar aap apni regional average ko dekho, aapki jo south asian region hai jahan pe you have iran, you have china, you have india, you have bangladesh, in sab ka tax to gdp ratio pakistan se zyada hai. आपकी अपनी रीजनल एवरेज से आप बहुत लो हैं. हमारे बाद ये आता है, अफगानिस्तान आता है ये लो पे, हम लोग इस वक्त उस पे हैं सेकंड पे. ठीक, सो आप अपनी रीजन में ही यू आर परफॉर्मिंग फार बिलो योर ओन रीजनल एवरेज.
राइट. उसके बाद अब आप इफ यू मेक अ कंपैरिजन विद द डेवलप्ड वर्ल्ड, वहां पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो 20s में आता है. देन इफ यू मेक अ कंपैरिजन विद द स्कैंडिनेवियन नेशंस, जो कि आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड नेशंस हैं, वहां पे तो सिचुएशन इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है. उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो, कुछ इस तरह के मुल्क हैं जिनका 45 भी है, कुछ का 30 है, 35 भी है. सो अगर आप स्कैंडिनेवियन नेशंस के हिसाब से देखो, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर ओन रीजनल एवरेज टैक्स टू जीडीपी रेशियो, पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग फार बिलो इट्स रिक्वायरमेंट एंड फार बिलो इट्स पोटेंशियल. व्हाई? बिकॉज ऑफ problems with the capacity of the department, because of the fact that a larger part of your economy still remains undocumented. And then third, regional average ka matlab ye hota hai ki aapki region mein jitne bhi mulk hain yaar, un sab ke tax to GDP ratio ki average nikal do to aapke paas ek regional average aa jayegi. I hope it's clear now. It's basic maths. Baat samajh mein aayi hai ye jisne mujhse sawal pucha tha? हाँ, हमारी जो रीजनल एवरेज है ना, एज पर माय ओन नॉलेज, जब मैंने आपसे इंटरव्यू की तैयारी की थी बैक इन 2018, तो हमारा अपना रीजनल एवरेज इज समवेयर अराउंड 20%, इतना हमारा है. ठीक है, इट्स क्लोज टू 20, मे बी आई थिंक 19.5 था या क्या था. तो आपका अपना रीजनल एवरेज इतना है, आप उससे काफी लो हैं. इंडिया का एज फार एज आई कैन रिकॉल इट्स 16.5 और 17, इसके लगभग है. तो इंडिया भी हमसे बहुत आगे है. ठीक, सो ये हमारा एक तो बहुत बड़ा मसला है. दूसरा, हाँ, फोर्थ पॉइंट हम जिसके ऊपर आ रहे थे, फोर्थ पॉइंट हम कह रहे थे आपका टैक्स का जो कल्चर है कि आपकी रिट ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है. अब आप देखो, आपके जितने भी ये डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पे लोग जो है ना, दे फील ऑब्लिगेटेड टू पे टैक्सेस, क्योंकि एक तो उनको ये पता है कि हमारी वेलफेयर के ऊपर ही लगाएंगे. फिर एक ये पॉइंट आता है, वहां पे उनको ये पता है, सो द फिस्कल डेफिसिट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दीज थ्री इशूज. नो 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 मारिया, आपने सवाल का जवाब इस तरह नहीं देना. अभी आप इस चीज पे मत आओ कि हमने सवाल का जवाब किस तरह देना है, क्योंकि अभी तो आई जस्ट स्टार्टेड ना. अभी मैं आपको बता रही हूं कि आपके पास जो डेफिसिट है ना, उसकी उसकी रीजंस क्या हैं. अभी हम उसकी एक साइड को देख रहे हैं कि आपके पास क्यों आता है डेफिसिट व्हेन योर रेवेन्यूज फॉल शॉर्ट टू मीट योर एक्सपेंडिचर्स. ठीक, तो हम सिर्फ अभी रेवेन्यू साइड को एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. सो आपने जब जवाब देना है ना, आपका जवाब शुरू यहां से होना चाहिए कि प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि व्हेन योर रेवेन्यूज फॉल शॉर्ट टू मीट योर एक्सपेंडिचर्स, यू हैव अ डेफिसिट. अब फिर आपने आगे फर्दर जाना है कि व्हाई डू वी फॉल शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज. फिर आपने सारे फैक्टर्स बताने हैं जो कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ. ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑफ दिस साइड कि पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है उसकी क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अभी आप खाली इसके ऊपर ध्यान रखो. उसके बाद मैं आपको खुद ही, मतलब इस पॉइंट पे जब हम खत्म करके आएंगे, तो यू विल नो द फ्लो कि अच्छा, मैंने इस तरह से इसका जवाब देना है. ठीक है, चलो. अब हम ये कह रहे थे कि हाँ, आपकी जो डेवलप वर्ल्ड है, वहां पे पीपल फील ऑब्लिगेटेड कि भाई, इफ आई डोंट पे टैक्स सो आई विल हैव टू फेस सीरियस repercussions. For example, if you take the example of US or कुछ और इस तरह के जो हैं developed countries, वहां पे ये है कि अगर एक बंदा who is trying to evade taxes, उसको ये पता है कि अगर एक साल मैं tax को evade कर लूँ, दूसरा साल कर लूँ, तीसरा साल करूँ, तीसरे साल के बाद somehow I will get caught. बिकॉज आपके सिस्टम की जो deterrence है, आपके सिस्टम की जो capacity है, you will get caught. उसके बाद क्या होगा कि जब आप वो आते हैं ना उनके पास, फिर ये होता है कि सबसे पहले जिस इंस्टीट्यूशन के साथ आप अलाइंड होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन आपकी वर्क प्लेस आपको ब्लैकलिस्ट करती है. सो आपके लिए आपकी प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल एंड सोशल जो ये आपकी रेपरकशंस हैं ऑफ इवेडिंग द टैक्स डेवलप्ड नेशंस में बहुत ज्यादा हाई होती है. सो पीपल आर अफ्रेड, दे आर डेटर्ड, कि तो फिर दे फील ऑब्लिगेटेड टू पे टैक्स. भाई, इट्स अ सोशल, प्रोफेशनल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन.
हम, और ये सिर्फ उन मुल्कों में होता है जहां पे आपकी रिट ऑफ द स्टेट बड़ी स्ट्रांग होती है. हमारे केस में तो आपका सिस्टम इतना फ्लॉपी सा है, इतना फ्लॉपी सा है, तो उस केस के अंदर इतने सालों में यू कुड नॉट एस्टेब्लिश अ स्ट्रांग टैक्स कल्चर. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा, हमारे मुल्क में आम जो बंदा टैक्स पेयर है उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई फाइलर होने का, टैक्स पेयर होने का उसको ही अपना फायदा है. अब आपके जो छोटे छोटे ये बाजार हैं जहां पे आपको लगता है लोगों ने छोटी सी ये दुकानें रखी हैं, जो ये शालनी मार्केट है, वहां पे आपको होगा कि एक छोटा सा वो एक खोरखा था जो है वो लगा के बैठा है बंदा, लेकिन उनका एक दिन का जो है टर्नओवर वो अच्छा खासा होता है. एंड दे आर सो स्केयर्ड टू बी फाइलर. उनको उनको ये फील होता है अगर हम लोग फाइलर बन के तो पता नहीं हमारे पे क्या अजाब आ जाएगा. द प्रॉब्लम इज इट्स द प्रॉब्लम ऑन पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट दे डू नॉट बेसिकली मेक अ स्मॉल बिजनेसमैन और अ नॉर्मल टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड कि भाई फाइलर होना उनके लिए बहुत फायदे में है. अब मैंने आपको जो एक पॉइंट यहाँ बताना था कि जो हम 40% ये टैक्स भी ले रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट. हाँ, सो ये लास्ट पॉइंट आप लोग लिख लें कि रेजिंग दी अवेयरनेस अमंग पीपल कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स फॉर देयर ओन ऑन यू नो इकोनॉमिक बेनिफिट टू बी अ फाइलर. ये इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FBR टू रेज दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल कि टैक्स देना कितना जरूरी है. मतलब यू हैव टू बी सपोर्टिव टूवर्ड्स द टैक्स पेयर ना, कि मतलब इस तरह नहीं कि आप उनका खींच कर ला रहे हैं जेबों से. यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू स्पेंड इट ऑन देयर वेलफेयर एज वेल. ठीक, अभी आपके सारे मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए. इसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर दोबारा वापस, जो कि पॉइंट इससे लिंक्ड है. अब आपको मैंने कहा था कि आपके टोटल टैक्सेस में से 40% हिस्सा आप इस हेल्दी वे से ले रहे हैं, विच इज अ डायरेक्ट टैक्स. अब आप इस चीज में एक बात समझें कि इस डायरेक्ट टैक्स का भी, जिसका जो कि आपके टोटल का 40% हिस्सा है, इसका भी टोटल 80% जो है ना ऑफ द टोटल डायरेक्ट taxes, it is through withholding taxes. Withholding, आप लोगों ने नाम सुना होगा. Withholding is a direct tax. Theoretically, it's a direct tax. तो आपका 40% हिस्सा, which comes from the direct tax, 80% of those total direct taxes is from withholding tax. ये एक बहुत बड़ा मसला है. किस तरह से मसला है कि withholding tax theoretically is a direct tax. हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया था फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यस, यूके से. ठीक, अब उसने बाद में प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस तरह से हमने इस सिस्टम को पाकिस्तान में यूज किया है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की कैपेसिटी लो है. विदहोल्डिंग टैक्स इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, मतलब आप एट द सोर्स ही अमाउंट को विदहोल्ड कर लेते हो. सो इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल. तो आपके डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को एनहांस ना करना पड़े, यू हैव रिजॉर्टेड टू सिंपलर ऑप्शंस कि भाई इससे लोगों से ज्यादा इकट्ठा ले आओ रेवेन्यू. अब प्रॉब्लम ये है कि हमने बिकॉज ऑफ आर कैपेसिटी टू डॉक्यूमेंट द यू नो द इकोनॉमी, उसमें जो हमारे मसले हैं, हमने विदहोल्डिंग टैक्सेस के ऊपर अपनी रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ा ली है. एक तो 60% आपका आ रहा है फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन 80% ऑफ योर डायरेक्ट टैक्सेस इज थ्रू विदहोल्डिंग, एंड द वे विदहोल्डिंग इज प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, इट इज जस्ट लाइक एन इनडायरेक्ट टैक्स. इट्स नॉट दैट विदहोल्डिंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, बट द वे वी हैव बीन एक्सेसिवली यूजिंग इट इन पाकिस्तान, इट इज मोर लाइक एन इनडायरेक्ट टैक्स. सो आपका डायरेक्ट टैक्स का मोड बहुत कम है. विदहोल्डिंग भी आपका जो है वो ज्यादा, इट टेक्स अप अ शेप ऑफ अ रिग्रेसिव टैक्स, क्योंकि इट्स अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन एज वेल. अब आप ये देखें कि इस मुल्क में हर बंदा, कोई बंदा अगर छोटी सी रेड़ी भी लगाता है, उसके पास एक अगर एक मोबाइल फोन है, उसमें जो वो सिम यूज कर रहा है, उस पर जो आपके सर्विस चार्जेस कट होते हैं, उसके अंदर आपका विदहोल्डिंग टैक्स होता है. सो आइडियली एवरी पर्सन इन पाकिस्तान, चाहे वो एक गरीब सा आदमी है, मजदूर है, दे आर पेइंग विदहोल्डिंग टैक्सेस, दे आर पेइंग अ डायरेक्ट टैक्स.
इस तरह से अगर आप देखें, सो देर आर सो मेनी थिंग्स. अगर आप पहले, मतलब इस साल वो चेंज हो गया है, पहले ये था कि बैंक से अगर आप कोई अमाउंट विदड्रॉ करते थे, बेशक वो आपकी अपने पैसे हैं, उसके ऊपर भी आपकी विदहोल्डिंग होती थी. ठीक. सो मेरा पॉइंट आपको समझाने का ये है, इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारा इट्स अ होल न्यू डोमेन ऑफ टैक्सेशन आप लोगों के लिए, पॉइंट वाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज यू हैव टू राइट पॉइंट ना. तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है कि आपका 40% हिस्सा भी जो है डायरेक्ट का, उसका 80% हिस्सा आप विदहोल्डिंग से ले रहे हैं, विच इज अ डायरेक्ट टैक्स, बट द वे इट इज बीइंग एक्सेसिवली रिलाइड अपॉन इन पाकिस्तान, इट इज लाइक एन इनडायरेक्ट टैक्स. सो आपका रिग्रेसिव जो है वो स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स इन पाकिस्तान इज वेरी रिग्रेसिव, विच अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल, एंड बिकॉज आपकी लार्जर पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी रिमेन्स अनडॉक्यूमेंटेड, तो आप 12.5 के ऊपर अटके हुए हैं, आपने इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं किया, यू आर परफॉर्मिंग फार बिलो योर ओन रिक्वायरमेंट. आई मीन जस्ट इमेजिन, यूर द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, आपका जीडीपी का साइज भी बहुत छोटा है, आपका रेवेन्यू जितना आपको, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत थोड़ा है. सो इसीलिए फिर दे रिपीटेडली फॉल शॉर्ट टू मीट योर एक्सपेंडिचर्स. इसमें एक और लास्ट पॉइंट जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है कि इफ वी आर टू इंक्रीज आर रेवेन्यू बेस, तो पाकिस्तान एक तो डॉक्यूमेंट करे, रेट ऑफ द डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करे, अवेयरनेस को रेज करे. ठीक. उसके अलावा सबसे जरूरी चीज ये है कि पाकिस्तान शुड एक्सप्लोर ऑल्टरनेट ऑप्शंस ऑफ टैक्सेशन. उसमें क्या सबसे जरूरी है, अगर आप देखें चाइना और इंडिया में, जो कि हमारे बिल्कुल नेबरिंग नेशंस हैं, आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, लैंड है, लैंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. लैंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की जो टैक्सेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? इट्स अ हेल्दी टैक्स, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट टैक्स. जिस बंदे की जितनी लैंड होल्डिंग है, जिस बंदे की जितनी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से आप उसके ऊपर टैक्स लगाएं. सो इट्स नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स अ हेल्दी टैक्स, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स. पाकिस्तान में इट रिमेन्स लार्जली अनएक्सप्लोर्ड. अब आप देखें, आपके पास जितने डेवलप्ड नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में अ लार्जर चंक ऑफ देयर रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम दिस. इंडिया में भी आता है. ठीक. इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना, वहां पे भी आता है. सो ये लैंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, खास तौर पे जो आपके डेवलप्ड नेशंस है, इंडिया में भी ये इतना नहीं है, लेकिन अगर आप अपने डेवलप्ड नेशंस को जाके देखें तो वहां पे अ लार्जर चंक ऑफ देयर रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम लैंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. सो व्हाई डोंट पाकिस्तान, अब आपके पास इतनी लैंड पड़ी है जिसको इतने सालों से आपने रीवैल्यू नहीं किया, उनके वही जो है 20 से 30 साल वो पुराने जो रेट्स हैं वो हैं, तो आप उनके रेट्स को अपग्रेड करो, उनको अपडेट करो, एंड गो टू एक्सप्लोर explore these avenues of taxation, जहां से you can have a healthy amount of revenue in a healthy way. ठीक. So ये तो आपका हो गया part about the taxes. ठीक. अब हम आते हैं बाकी के दो आपके sources of revenue क्या हैं. एक आपके पास होते हैं non taxes. ठीक. जो नॉन टैक्सेस है ना, दे आर बेसिकली योर स्मॉलर टैक्सेस, आपके छोटे छोटे टैक्सेस होते हैं क्योंकि वो क्वांटम में छोटे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका ट्रैफिक का ये कटता है, ये क्या उसे कहते हैं, वो चलान जो होता है, ठीक, उसके ऊपर जो आप फी पे करते हो, ठीक, फॉर एग्जांपल योर चलान, कोई भी अगर आपको फाइन्स होते हैं फ्रॉम द स्टेट, any sort of penalty, user charges, toll taxes जो कि आप देते हैं motorway पे, ये सब आपके जो छोटे मोटे taxes हैं ना, इन सबको आप कहते हैं these are non taxes. ठीक. अब they are important, लेकिन इनका quantum इतना ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये they don't add much to the the national pocket, but of course they are important. ठीक. लेकिन आपका मेन सोर्स फिर भी आपके ये वाले रहते हैं टैक्सेस. ठीक हो गया.
उसके बाद आफ्टर टैक्सेस द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी स्टेट इन द वर्ल्ड इज इट्स स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पाकिस्तान स्टील मिल है, वी हैव रेलवेज, वी हैव OGDCL, वी हैव PIA, ठीक. ये सब आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये सब आपके स्टेट ओन्ड एसेट्स हैं, क्योंकि ये स्टेट की ओनरशिप है. इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो स्टेट के पास जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. इट्स नॉट अ टैक्स बट इट्स अ रेवेन्यू, ठीक. क्यों? क्योंकि ये स्टेट ओन्ड है, इनका सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो स्टेट के पास जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज. अब आप इंडिया को देखो, आप चाइना को देखो, दे आर मेकिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देयर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बिकॉज दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल. आपकी जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं, आप ये जाके देख लो, ये जो जर्मनी है, आपका ये जो EU ब्लॉक है सारा, वहां पे भी आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बहुत गेम है, उनसे बहुत हेल्दी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जाता है. हमारे केस में आप देख लो, पाकिस्तान स्टील मिल देख लो, रेलवे देख लो, PIA देख लो, एक्सेप्ट OGDLC एंड PSO. मोस्ट ऑफ द स्टेट ओन्ड एसेट्स इन पाकिस्तान आर लाइक दोस बिग व्हाइट एलिफेंट्स, दे हैव बीन ब्लीडिंग फॉर इयर्स. इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आप हर साल उल्टा उनको बेल आउट कर रहे होते हो. स्टील मिल आपके पास है, रेलवे तो अब जाके कुछ स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, PIA की हालत आप जानते हैं, ये किसी जमाने में आपके बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते थे, बट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग पॉलिसीज, आपके ये बिग व्हाइट एलिफेंट्स दे बीन ब्लीडिंग फॉर इयर्स. सो पाकिस्तान में जो एक बड़ी पोटेंशियल आपके पास एवेन्यू है ऑफ रेजिंग रेवेन्यूज, आप वहां पे उल्टा यू हैव बीन इनकरिंग लॉसेस, और वहां से रेवेन्यू निकालने की बजाय उल्टा आप उनको पैसे लगा के बेल आउट करते हैं, ठीक. सो ये आपकी बेसिक प्रॉब्लम है कि यू आर परफॉर्मिंग फार बिलो योर रिक्वायरमेंट्स एंड फार बिलो योर पोटेंशियल्स. सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इज टैक्सेस, उसके प्रॉब्लम्स हमने सारे देख लिए. फिर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उसकी जो सिचुएशन है वो आप जानते हैं, ठीक. उसके बाद आपके पास तीसरा आता है विच आर योर नॉन टैक्सेस, ठीक. अच्छा, इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी ये जो टैरिफ्स वगैरह होती है ना इंपोर्ट पे, टैरिफ्स वो भी यहां पर आते हैं टैक्सेस में. IRS जो है वो विद इन द कंट्री आपके टोटल जो तकरीबन 80% टैक्सेस हैं मुल्क के, वो हम कलेक्ट करते हैं IRS. बाकी के जो तकरीबन 16-20% हैं, दे आर कलेक्टेड बाय कस्टम्स, वो ये कलेक्ट करते हैं टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स, विच इज ऑल्सो अ टैक्स. हमारे केस में क्योंकि आप एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ठीक है, आपने इम्पोर्ट ज्यादा करना होता है तो आप इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ लो रखते हैं बिकॉज यू हैव टू इम्पोर्ट मोर. सो हमारे केस में इट इज नॉट दैट मच ऑफ हेल्दी वे ऑफ रेजिंग रेवेन्यूज बेसिकली, ठीक. सो ये आपका रेवेन्यू साइड का सारा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है. Is a tariff a separate category or comes under that? No. Tariff is a tax. Tariff एक tax है, लेकिन उसको आप direct, indirect में नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि ये आपका tax at the port stage होता है. It is by customs. वो इसको collect करती है. It is like a tax, but it's a specific tax जो कि आप अपनी import पे लगाते हो. ठीक है, सो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इसके ऊपर जो है वो डिबेट नहीं होता. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके डोमेस्टिक जो होते हैं ना टैक्सेस, जो विद इन पाकिस्तान है, जो कि IRS इकट्ठा करता है, जो कि आपका सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वो सब इसके अंदर आते हैं. टैरिफ इज अ स्पेसिफिक टैक्स ऑन योर इम्पोर्ट्स, तो उसको आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना, बट वो आता इसी के अंदर है टैक्सेस में, बट इट्स अ स्पेसिफिक टैक्स. आई होप इट्स क्लियर. नो, एक्सपोर्ट, भाई देखो मेरी बात सुनो, इट्स अ लॉजिकल थिंग. एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट आपने मुल्क से बाहर भेजनी होती है. एक्सपोर्ट के ऊपर आप टैक्स क्यों रखोगे? टैक्स आप उस चीज पे रखोगे जिसकी अमाउंट को आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, तो टैरिफ्स आपके इम्पोर्ट के ऊपर होते हैं, इट्स नॉट ऑन यू नो एक्सपोर्ट. ठीक है, बात क्लियर हो गई. अब शैल वी मूव ऑन.
ओके गुड, सो दिस इज ऑल फॉर द रेवेन्यू साइड. अब हम आते हैं हमारी एक्सपेंडिचर साइड के क्या इश्यूज हैं. ठीक, अब एक्सपेंडिचर बेसिकली जो है ना वो दो तरह के होते हैं, करंट एक्सपेंडिचर एंड योर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक, अब पहले हम इसको देखते हैं कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है. इसके नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्टेट के भी कुछ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं. सो दीज एक्सपेंडिचर्स आर बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ स्टेट. कि आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, अपने स्टेट की जो मशीनरी है आपने उसको रन करना है, तो ये आपके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं जिनके ऊपर आपके पास चॉइस नहीं होती. यू हैव टू इनकर दीज एक्सपेंडिचर्स एट एनी कॉस्ट. ठीक, इसी तरह आपका जो डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस आपका इट्स नॉट अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसलिए आप उसको इसी साइड पे डाल देते हो. ठीक है, क्योंकि डिफेंस इज मोर लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बिकॉज यू हैव टू गार्ड योर बॉर्डर्स. ठीक, सो इट्स नॉट अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिससे आपकी लॉन्ग रन में कोई इकोनॉमिक वैल्यू आपको मिल रही हो. सो इट्स बेसिकली योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो ये आपके दो मेन एक्सपेंडिचर हैं क्योंकि जिनके ऊपर आपकी चॉइस नहीं है. आई मीन डिफेंस इज समथिंग बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी डिलेमा जो कि हमने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है कि भाई वी आर वेरी वेरी इनसिक्योर यू नो बिकॉज ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट, सो वी गॉट टू स्पेंड ऑन डिफेंस. हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यू आर इन नीड ऑफ स्पेंडिंग ऑन डिफेंस. और आपकी स्टेट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे केस में हमने बहुत ज्यादा जो है वो लेविश भी रखे हुए हैं. ठीक है, सो ये आपके वो एक्सपेंडिचर है जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है विच यू गॉट टू इनकर. ठीक, अब हम आते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. दिस इज द मोस्ट एक्सपेंडिचर फॉर एनी स्टेट इन द वर्ल्ड. खासतौर पर हमारे केस में तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ पाकिस्तान इज टू इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ना, कि लॉन्ग रन में आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एक आपको मिले, सो दैट इज ओनली थ्रू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे आपकी लॉन्ग रन में इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो जनरेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्टेट ने कोई डैम बनाया है, स्टेट ने रोड बनाई है, स्टेट ने कोई फ्लाईओवर बनाए हैं, स्टेट ने कोई हॉस्पिटल बनाया है, स्टेट ने कोई स्कूल बनाया है, स्टेट ने कोई इस तरह की इंडस्ट्री लगाई है, तो ये सब आपके लॉन्ग रन में इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो जनरेट करते हैं. इससे आपकी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव होती है. सो ये सारे वो एक्सपेंडिचर हैं जिससे आपकी लॉन्ग रन इकोनॉमिक वैल्यू बनती है. एंड दीज एक्सपेंडिचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल. पाकिस्तान के केस में डिलेमा ये रहा है कि हमेशा से यू हैव बीन रेजिंग इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज विच फॉल शॉर्ट टू मीट योर एक्सपेंडिचर. तो जो रेवेन्यू आपके पास लिमिटेड आता है ना, उसको ज्यादा आप यहां लगा देते हैं, करंट और आपका ये जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है ये आपका मेन चंक ले जाते हैं. उसके बाद जो लिमिटेड अमाउंट आपके पास बचती है, यू स्पेंड दैट ऑन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, विच इज व्हाई पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है हमारा इतना बड़ा मसला क्यों है. सो ये बेसिकली आपकी दो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली साइड आ गई कि रेवेन्यू साइड पे क्या मसला है, एक्सपेंडिचर साइड पे क्या सिचुएशन है. अब जब दोनों के बीच में गैप होगा तो यू हैव अ फिस्कल डेफिसिट. अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास फिस्कल डेफिसिट है. माइंड यू, सिंस 1947 पाकिस्तान हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फिस्कल गैप. आपके पास हमेशा से एक डेफिसिट रहा है. तो फिर अब ये इतना बड़ा मसला क्यों है? अब ये इतना बड़ा मसला इसलिए, यू हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ गैप, अ डेफिसिट, बट नाउ दिस डेफिसिट हैज बीन इंक्रीजिंग. अब आपका डेफिसिट इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक, अब आपका ये जो डेफिसिट है ये इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज
आपकी देखें यू द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन, आपकी आबादी बढ़ रही है, अब विद द चेंजिंग डिमांड एंड द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान हैज टू मूव टूवर्ड्स यू नो डेवलपमेंट. सो उसके लिए आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, बट आपके रेवेन्यू आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से और आपकी नीड्स के हिसाब से नहीं बढ़ रहे, तो आपका गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. सो द प्रॉब्लम नाउ इज इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट. ये मुझसे किसने सवाल पूछा है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग डेफिसिट इंडिकेटर? आगा फरहान, आपने ये टर्म कहाँ पढ़ी है, ये मुझे सिर्फ ये बता दें आप, क्योंकि मैंने अपनी इतने साल की जो मेरी एजुकेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, आई नॉट एनकाउंटर दिस टर्म इंक्रीजिंग डेफिसिट इंडिकेटर. ये क्या चीज है? इफ इट्स नॉट अ टर्म तो फिर ये कहां से आई, ये आसमान से टूट के गिरी है? आप चीजों को खुद से ना मिक्स एंड मैच ना करें, क्योंकि इससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला. जस्ट स्टिक टू द बेसिक टर्म्स, उसी पर रहें और उन्हीं को आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है? अपने आप को भी ना कंफ्यूज करें, ना मुझे करें, और ना जो आपकी बाकी की क्लास है आप उसको जो है वो कंफ्यूज करें. आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है द प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट इन टाइम इज इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट, कि आपका डेफिसिट इंक्रीज कर रहा है एट अ हाई रेट, बढ़ता जा रहा है. उसकी रीजन मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी है. सो इन केस यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, आप इसको बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, बिकॉज यू हैव बोथ साइड्स, ठीक. अब हमने देख लिया कि ये क्यों हो रहा है डेफिसिट. अब हम वी मूव ऑन टू सी कि अच्छा, अब आपके पास फिस्कल गैप जब आ रहा है, ये डेफिसिट हो गया, अब इसकी रेपरकशंस क्या होंगी, ठीक. मुझे बताएं कि अब तक ये सब चीजें क्लियर हैं, डू आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग ओवर हियर? इज इट क्लियर? मुझे और भी बच्चे यहां पे जवाब दें सो दैट आई नो कि सबको क्लियर है. चलें, That's good. We move forward now. अब हम आगे जाके देखते हैं कि fiscal deficit जब आपने experience कर लिया तो इससे आपकी जो repercussions हैं वो क्या हैं? सारा आपका question है मुझसे. हाँ जी बताएं सारा सुलेमान. अस्सलाम वालेकुम मैम. हेलो हेलो, कैन आई बी, क्या क्वेश्चन है, कैन आई बी हर्ड? हेलो सारा, यू हैव टू स्पीक अप. आई कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही है, ये जरा देखें प्लीज. नो नो नो, आई कांट हियर यू सारा. ये देखिए आपने उसको ही बंद किया हुआ है जी. सारा आप प्लीज बोलें. आर यू स्पीकिंग सारा? हेलो, कैन आई बी हर्ड नाउ? यस यस यू आर. ओके मैम. यस सारा प्लीज बताएं. अच्छा, सो यू मेंशन्ड कि सिंस इंसेप्शन Pakistan has almost always had a fiscal deficit, but it has become a problem now because it's increasing at a high rate. Why is it particularly increasing at a high rate now? अच्छा, वो वही आई थिंक वो लास्ट पार्ट आपने ना मिस कर दिया था. उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है सारा कि देखिए इतने सालों में हमारी जो पॉपुलेशन है इट हैज बीन इंक्रीजिंग ना, मतलब इस वक्त आपका जो आई थिंक ग्रोथ रेट है ऑफ द पॉपुलेशन इट इज दिस 2%, ठीक है? विद द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक. दूसरा आप यह देखें कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम, विद द मॉडर्नाइज्ड चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम, अब आपके वो एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान देखें ना इतने सालों से, अब अपनी रीजन के हिसाब से देखें, वी आर स्टिल स्टक इन द लो इनकम ट्रैप. क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि वाई आर वी स्टक इन द लो इनकम ट्रैप. तो
तो हम उस लो इनकम ट्रैप में भी हैं, हमारी जो यू नो आबादी भी बढ़ती जा रही है, हमारी नीड्स भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज वी हैव टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसके लिए आपको डेवलपमेंट पे स्पेंड करने की जरूरत है. फिर एक और दूसरा बहुत बड़ा मसला है जो कि मैंने आप लोगों को बाद में जाके बताना था, लेकिन सिंस आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं भी साथ में बता देती हूँ कि ये हमारी थी ना रेवेन्यू साइड. सारा जी जी, I'm listening. जी जी आ रहा. टोटल रेवेन्यूज हम लोग इस वक्त इकट्ठा कर रहे हैं ना, पहले तो आप देखें उन टोटल रेवेन्यूज का आधा हिस्सा जो है ना, 50% ऑफ योर टोटल रेवेन्यूज जो कि आप लिमिटेड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा इकट्ठा करते हैं, उसका भी आधा हिस्सा जो है ना आप उसको डेट की रिपेमेंट में निकाल देते हैं. इस वक्त 50% ऑफ योर रेवेन्यू गोज टू डेट सर्विसिंग, विच इज डेट को रीपे करना. जो 50 बचता है ना उसको आप लाते हैं अपने एक्सपेंडिचर पे. जो 50 आप अपने आपका जो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, फिर जो ये डिफेंस है वो पहले वहां लग जाता है, बिकॉज दे आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच हैव टू बी इनकर्ड. बाकी जो आपके पास बचता है ना फॉर योर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत मीगर अमाउंट आपके पास बच जाती है, जिसकी वजह से आपके मुल्क में लॉन्ग रन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती. अगर वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो आप एक रिक्वायर्ड रेट पे ग्रो भी नहीं करेंगे. ठीक. सो पाकिस्तान का मसला ही है कि वी आर स्टक इन द लो इनकम ट्रैप. आपका इतने सालों में पॉपुलेशन का साइज भी बढ़ रहा है, आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू कम आउट ऑफ द लो इनकम यू नो इकोनॉमी वो आपकी सारी की सारी नीड्स भी बढ़ रही हैं, बट आपके रेवेन्यूज उन नीड्स के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं. नीड्स एक हायर रेट पे बढ़ रही हैं और आपके जो रेवेन्यूज हैं वो उस रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहे. सो आपका जो यू नो डेफिसिट है वो नेचुरली बढ़ता जाएगा. ठीक है, मेक सेंस. आई होप इट्स क्लियर नाउ. ठीक है. यस इट इज. ठीक है, चलो दैट्स वंडरफुल. थैंक यू. अब हम चलते हैं कि जस्ट गिव मी अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, में पानी पी लूं. ओके. अभी नाउ वी हैव एस्टेब्लिश कि आपके पास फिस्कल डेफिसिट आ गया. ठीक है, इसका मतलब ये है कि योर रेवेन्यूज हैव फॉलन शॉर्ट टू मीट योर एक्सपेंडिचर्स. अब हाउ टू फाइनेंस द डेफिसिट, कि वो पैसे जो आपके पास थोड़े पड़ रहे हैं वो आप कहां से लेकर आएंगे. वो पैसे आप लेकर आएंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग से. सो अब आपने इसी फ्लो में चीजों को फॉलो करना है. व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस फिस्कल डेफिसिट, देन यू मूव ऑन टूवर्ड्स डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब ये कौन सा डेफिसिट है? ये वाला डेफिसिट है. ठीक है, अब हमने देखना है कि जो गैप आपके पास आ रहा है, ये जो आपके पास डेफिसिट है, आपने इसको फाइनेंस कहां से करना है. ठीक है, इसकी फाइनेंसिंग के आपके पास दो ब्रॉडर वेज होती हैं. ईदर यू गो फॉर डोमेस्टिक बोरोइंग और यू गो फॉर एक्सटर्नल बोरोइंग. ठीक, ये आपके दो तरीके होते हैं जिनसे यू कैन फाइनेंस योर फिस्कल डेफिसिट, और दोनों के अपने अपने नुकसानात हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस फ्रॉम डोमेस्टिक बोरोइंग. तो सबसे पहले तो आप लोगों के दिमागों में एक रॉन्ग जो है वो यू नो आइडिया होगा विच यू हैव टू डीबंक राइट नाउ. और वो हमारे दिमागों में ये ख्याल होता है एक लेमैन के दिमाग में कि भाई पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो है ना बोरोइंग वो बहुत ज्यादा है. दिस इज रॉन्ग. पिछले कुछ 10 सालों में और खासतौर पर पिछले 5 सालों में एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान की डोमेस्टिक बोरोइंग इज 2 times दैट ऑफ इट्स एक्सटर्नल बोरोइंग. यार यहाँ पे सिर्फ 2 मार्कर हैं, ये 2 ही खराब हैं. अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ. मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे कोई मार्कर अच्छा नहीं है, एक बहुत लाइट लिख रहा है और एक वैसे ही बहुत खराब है, और मुझे ब्लैक चाहिए. आप प्लीज मुझे ब्लैक ला दें. उतनी देर अगर मैं ब्लू से लिख लूं तो ठीक होगा. अच्छा,
अब हम मैंने आपको ये कहा है कि अपने दिमागों में इफ यू हैव दिस इम्प्रेशन कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल बोरोइंग बहुत हैवी है तो दैट इज रॉन्ग. पाकिस्तान की डोमेस्टिक बोरोइंग जो कि डोमेस्टिकली वो लोन इकट्ठा करता है दैट इज टू टाइम्स दैट ऑफ इट्स एक्सटर्नल बोरोइंग. सो ये चीज अपने दिमागों में क्लियर कर लो सब. सो अव्वल हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है दैट इज योर डोमेस्टिक बोरोइंग. ये भी उतना ही बड़ा मसला है लेकिन ज्यादा बड़ा मसला ये है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है. अब डोमेस्टिक बोरोइंग का सबसे बड़ा सोर्स एक मुल्क के पास क्या होता है, हमारे पास क्या है. हमारे पास डोमेस्टिक बोरोइंग का सबसे मेन सोर्स है कि वी गो टू आर कमर्शियल बैंक और हम उनसे जाके यू नो बोरो कर लें. ठीक है, थैंक यू. यू जस्ट गो टू योर यू नो कमर्शियल बैंक, आप उनसे जाके लोन ले लो. अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है ना इट इज नॉट वेल डेवलप्ड. वी आर हमारा अ लार्जर पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज स्टिल वेरी इनफॉर्मल कि यहाँ पे किसी आम बंदे को बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलता. That is the worst that can happen to an economy because पूरी दुनिया में आपकी जो business है ना that depends on your credit line. Credit line का मतलब क्या है कि आपकी economy में कितना loan easily available है for an investor. अगर किसी investor की easy access होगी for loan तो ही वो loan लेगा और वो market में एंटर करेगा और इकोनॉमी में जाके इन्वेस्ट करेगा और इकोनॉमी में आपके पास बिजनेस होगा. ठीक, अब हमारा तो मसला ये कि यहाँ पे किसी आम आदमी को लोन ही नहीं मिलता जब तक फोन ना जाए बैंक में कि भाई इस बंदे को लोन दे दो. ठीक, सो ये उस वक्त होता है जब आपकी इकोनॉमी में आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना फॉर्मलाइज ना हो. ठीक, अब ऐसी सिचुएशन हमारी ऑलरेडी है. इस सिचुएशन में अगर आपकी स्टेट जो है, अगर जो आपकी गवर्नमेंट है उसने एग्जेसिवली आके आपके बैंक से बोरो कर लिया, क्योंकि हर बैंक की एक सर्टेन सैंक्शनड लिमिट होती है जो कि स्टेट बैंक ने उसको अलाउ की होती कि आपने इतनी हद तक लोन देना है, उससे ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते. ठीक, अब बीइंग बाउंड दैट बाय सैंक्शनड लिमिट, जब आपकी स्टेट ने आके एग्जेसिवली आपके कमर्शियल बैंक से बोरो कर लिया तो आपके आम आदमी के लिए लोन और ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं जो कि ऑलरेडी वो लोन नहीं देते. नाउ दैट कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स फॉल्स फर्दर टू गिव लोन्स टू द जनरल पॉपुलेशन. अब इससे क्या मसला होगा, जब आपकी इकोनॉमी में आपके पास लोन्स बहुत ड्रॉप कर जाएं तो आम आदमी की एक्सेस टू लोन्स विल फॉल्स फर्दर. उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्केट में एंटर ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई जब तक आपके पास लोन नहीं है हाउ विल यू स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है, तो जब इकोनॉमी में बिजनेस नहीं होगा, नहीं पहले जब इकोनॉमी में लोन्स नहीं होंगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. ठीक, और जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के अंदर बिजनेस नहीं हो रहा. इकोनॉमी के अंदर अगर बिजनेस नहीं हो रहा तो नेचुरली यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. मतलब कि इकोनॉमी में बिजनेस नहीं है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हो रही. अब इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो इफ यू रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था कि जीडीपी क्या होता है. जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान इन अ ईयर. तो अगर आपकी इकोनॉमी में बिजनेस नहीं हो रहा विच मीन्स इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसका मतलब यह है कि आपका जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा एट द रिक्वायर्ड रेट, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल करता है जो कि हमारा मसला हो रहा है पिछले 3 सालों से. बिकॉज यू आर नॉट इंड्यूसिंग इनफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में बिजनेस नहीं हो रहा, इकोनॉमिक व्हील अपने रिक्वायर्ड रेट पे मूव नहीं कर रहा, इकोनॉमी के अंदर रिक्वायर्ड रेट पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है. अच्छा, अब इसके 2 मसले होते हैं. जब आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एट द रिक्वायर्ड रेट नहीं हो रही होती ना तो उसके 2 बहुत बड़े मसले हैं विच आर दी 2 बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. मैक्रो का मतलब है कि एट अ ग्रेटर लेवल जो होती है प्रॉब्लम्स. 2 बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इससे क्या आती हैं, एक तो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल करता है. ठीक, दूसरा जब आपकी इकोनॉमी में यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ जॉब्स तो क्या होगा,
आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी. सो आपके पास दो मसले हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल्स एंड यू हैव इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. इस पूरे इफेक्ट को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. यू गेट इट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. के जब स्टेट ने कमर्शियल बैंक से जाके एग्जेसिवली बोरो किया तो दे बेसिकली क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट बाय द जनरल पीपल. सो इससे आपकी इकोनॉमी में दो बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं जो कि हमारे केस पे हो रहे हैं. यू हैव अ फॉलिंग जीडीपी ग्रोथ रेट एंड यू हैव इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच यू ऑल नो दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग फॉर यू नो ओवर ईयर्स. उसका बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी हैवी डोमेस्टिक बोरोइंग फ्रॉम योर कमर्शियल बैंक, जिसको आप कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. आई होप इट्स क्लियर नाउ. बात समझ में आ गई है सब? ओके, वंडरफुल, आगे चलते हैं. अच्छा, दूसरा जो एक सोर्स होता है आपकी डोमेस्टिक बोरोइंग का वो ये है कि आप अपने बॉन्ड्स वगैरह जो है ना या शेयर्स वो फ्लोट कर दो गवर्नमेंट. ठीक, ये हमारे केस में कोई इतना ज्यादा नहीं होता बिकॉज एज आई सेड कि आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमी इतनी ज्यादा फॉर्मलाइज नहीं है. तो आपके आपकी जो स्टेट है इट रिलाइज मोर ऑन टेकिंग लोन्स फ्रॉम योर कमर्शियल बैंक्स, जिसका ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि इसकी दो सीवियर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ये हैं. ठीक, अब हम आते हैं टू द एक्सटर्नल बोरोइंग साइड. कि अब आपकी जो एक्सटर्नल बोरोइंग है, अब आप लोगों के दिमाग में ये भी इंप्रेशन होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल बोरोइंग तो हम जाते हैं टू एशियन डेवलपमेंट बैंक और हम जाते हैं टू वर्ल्ड बैंक एंड वी गो टू द आईएमएफ. सो यस, एक अपने दिमागों में और भी आप लोग चीज क्लियर करें कि स्पेसिफिकली फॉर दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए एक्सटर्नल बोरोइंग में वी ओनली गो टू द आईएमएफ. Because World Bank and ADB, they give loans only for development projects. वो सिर्फ development projects के लिए loan देते हैं. हमने कोई dam बनाना हो तो हम लोग loan ले सकते हैं ADB से और या फिर World Bank से. But हम deficit financing के लिए उनसे loan नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि they only give loans for development projects. Deficit financing के लिए IMF loan देता है under the name of स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, सैप्स जिनको कहते हैं. ठीक है, अब एक पॉइंट आप लोग लिख लें कहीं पे कि एज बीइंग सीएसएस एस्पिरेंट्स ये बड़ा जरूरी टॉपिक है आपके लिए. ठीक, मैं आप लोगों को आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसके दो तीन पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दूं सो दैट आप लोगों के दिमाग में एक पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो क्लियर हो जाए. बट ये पॉइंट आपका एज अ सेपरेट क्वेश्चन इट कुड बी यूज इन योर एसे. SAP is structural adjustment programs. Clear हो गया मानूर? आप इसको लिख लो. ठीक है, structural adjustment programs. So I would recommend कि आप लोग इस लेक्चर के बाद जब अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं तो गूगल इट SAPs को. इसके ऊपर अपनी थोड़ी सी कुछ पांच छह पॉइंट्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उस चीज को डेवलप करो क्योंकि ये सवाल यूज होता है. इनफैक्ट आई रिमेम्बर पिछले साल तो प्रॉपर इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ था. ठीक, तो अगर आपने इसकी बेसिक जो है वो यू नो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन और आपको इससे बहुत फायदा भी होगा. ठीक, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है. अच्छा, अब हमने ये बात एस्टेब्लिश कर दी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए वी स्पेसिफिकली गो टू द आईएमएफ क्योंकि उसका काम ये है. IMF ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स रखे थे टू गिव आउट लोन्स टू द डेवलपिंग नेशंस हु आर फेसिंग मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक फिस्कल डेफिसिट. ठीक, उसको रेक्टिफाई करने के लिए IMF स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के तहत डेवलपिंग नेशंस को लोन देता है सो दैट दे कैन कर्ब देयर डेफिसिट एंड गैप बाय रीस्ट्रक्चरिंग you know their economy. अब SAPs का जो बेसिक फंडा है वो क्या है? SAPs का बेसिक फंडा ये है. अब पहले तो आप ये चीज क्लियर करें कि बेसिकली IMF ये काम क्यों करता है. IMF is not that altruistic कि नहीं मुझे बहुत हमदर्दी है दुनिया के मुल्कों से तो मैं ये करता हूं. नो,
अब IMF इज जस्ट लाइक एनी अदर बैंक. अब कोई भी जो बैंक है उसका काम क्या है, बैंक का बिजनेस ये है कि आप लोगों को लोन दें, उस लोन के ऊपर हम जो उनको इंटरेस्ट देते हैं दैट इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ द बैंक. ठीक, इसी तरह IMF इज अ मल्टीलैटरल बैंक जिसका काम ये है कि वो हमारे जैसे गरीब मुल्कों को लोन दे, हम उनको इंटरेस्ट दें और वो इंटरेस्ट उनकी यू नो इनकम है. सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यू नो IMF टू गो अहेड विद द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम. अब ये प्रोग्राम क्या होता है, ये प्रोग्राम ये होता है कि बेसिकली अगर IMF हमें लोन दे रहा है ना तो IMF हमें ये बोलेगा फाइन मैं आपको इसके लिए लोन दूंगा बट आई विल अटैच सर्टन कंडीशंस फॉर दिस लोन कि इफ यू वॉन्ट टू गो अहेड विद दिस लोन और आप हमसे दोबारा लोन लेना चाहते हैं तो यू विल हैव टू अबाइड बाय दीज वेरी कंडीशंस जो कि हम आप पे लगा रहे हैं. ठीक, अब इसमें कुछ पांच छह वो मेन यू नो वो है कंडीशन. प्रॉब्लम ये है कि अब जोसेफ स्टिग्लिट्ज वाज अ फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट, उसने इसके ऊपर दो तीन वो लिखती हुई है बुक्स. ही लेफ्ट द वर्ल्ड बैंक, ही सेड कि दीज प्रोग्राम दे डोंट मेक सेंस टू मी बिकॉज ये हमारे जैसे मुल्कों के फायदा तो छोड़ो ये उल्टा हमें नुकसान देता है. अब वो नुकसान किस तरह से देता है, क्यों हर साल आपके पास ये डिबेट होती है कि हमें IMF के पास वापस जाना चाहिए या नहीं, बिकॉज वी हैव टू फेस रेपरकशंस ऑफ गोइंग फॉर स्टेप्स. तो इसमें जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने बोला था, जोसेफ स्टिग्लिट्ज He was a former World Bank economist. उसने ये बोला था कि भाई ये जो आप ये लगाते हैं ना conditions, it's a one shoe fits all treatment. मतलब कि आप चाहते हैं हर बंदे को एक ही साइज का जूता जो है ना वो आप फिक्स कर दें, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हर इंसान के पैर का जूता मुख्तलिफ पैर का साइज जो है वो मुख्तलिफ होता है. सो इट्स लाइक अ वन शू फिट्स ऑल ट्रीटमेंट. व्हाई वुड यू इम्पोज अ सिमिलर सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल द डेवलपिंग नेशंस, बिकॉज एवरी डेवलपिंग नेशन विल हैव इट्स ओन इकोनॉमिक रियालिटीज. आप इफ सम पॉलिसी हैज वर्कड वेल फॉर बांग्लादेश, इट डज नॉट मीन दैट इट विल इक्वली वर्क वेल फॉर अस, बिकॉज बांग्लादेश की और हमारी इकोनॉमिक रियालिटीज आर वेरी वेरी डिफरेंट. ठीक, सो इसीलिए दीज प्रोग्राम उल्टा इनका नुकसान होता है. इंडिया ओनली वेंट फॉर सैप वंस, उसके बाद वो नहीं किया बिकॉज इंडिया रियलाइज कि इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी टू गो फॉर सच स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स. आपकी इकोनॉमी की रीस्ट्रक्चरिंग किस तरह से होनी है, इट इज ओनली द मैंडेट ऑफ योर ओन स्टेट, क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत को बेहतर वो अंदाजा है कि हमारे स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं. इट्स नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द IMF कि वो यहाँ आए और हमें बताए कि भाई आप इसको इस तरह से ठीक करो, बिकॉज दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटीज फॉर अस. सो अब हम पहले देखते हैं कि जब हम इससे लोन लेते हैं तो व्हाट आर द काइंड ऑफ कंडीशंस व्हिच वी हैव टू अबाइड बाय. मैं आप लोगों को दो एक्सप्लेन करूंगी. ठीक, उसमें सबसे पहला मसला वो हमें ये कहते हैं कि इफ यू हैव टू टेक द लोन गो फॉर फिस्कल ऑस्टेरिटी. ठीक, अब आप लोगों ने नोट किया होगा जब इमरान खान नया नया आया था तो यू हैड दिस स्लोगन कि भाई वी हैव टू गो फॉर ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी क्या है, ऑस्टेरिटी इज कि आप अपने एक्सपेंडिचर को लिमिट करो. ठीक, अब व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग फॉर फिस्कल ऑस्टेरिटी. इसका मतलब ये है, IMF आपको ये कहता है कि हमारे जैसे मुल्क जहां पे वी हैव अ गैप बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स, आप क्या करें जब आपके पास रेवेन्यू थोड़े हैं ना, तो आप जैसे गरीब मुल्क ये करें कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज कर दें. उसका मतलब ये है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कट लगा दें. अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक्सपेंडिचर दो टाइप्स के हैं, करंट एंड दी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. अब प्रॉब्लम ये है कि करंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर आप कट नहीं लगा सकते बिकॉज दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे एक्सपेंडिचर. डिफेंस आपकी इकोनॉमी में एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको नोबडी कैन कट. ठीक, ये एक रियलिटी है. सो बेसिकली अब जब यू आर गोइंग फॉर फिस्कल यू नो रैशनलाइजेशन और इन अदर वर्ड यू गोइंग फॉर दिस ऑस्टेरिटी,
तो आप अपना करंट एक्सपेंडिचर कट नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, यू विल कट योर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास जब ऑलरेडी हम लोग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे इतना थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं, जब यू फॉलो सच पॉलिसीज तो आप उसको और ज्यादा यू नो कर्व कर देते हो। सो उससे अल्टीमेटली क्या होता है, लॉन्ग रन में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होती है, लॉन्ग रन में आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर होती है, आपकी ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर हर्ट होती है। और इतने सालों से क्यों हम लोग जो हैं वी हैव नॉट बीन एबल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग रन सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये कि बार बार वी हैव टू गो फॉर स्टैप्स एंड वी हैव टू कट आर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, सो बेसिकली ये वाली जो एक आपकी ये डिक्टेशन है बाय द IMF, इट डज नॉट वर्क वेल फॉर पाकिस्तान। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि भाई इस तरह से इट डज नॉट वर्क गुड फॉर अस। अच्छा, अब इसने दूसरा एक और वो लगाते हैं हमारे ऊपर कंडीशन कि अपने रुपी को डी वैल्यू करो। ठीक, अब रुपी को डी वैल्यू जो है उससे क्या फायदा होगा, पहले तो आप ये देखें कि जब हमारा पाकिस्तानी रुपी डी वैल्यू होता है तो उससे क्या होगा। अच्छा, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम वी वेंट फॉर द IMF, इट वाज समवेयर बाय द एंड ऑफ 80s। उस टाइम फ्रेम में हम लोग वी वेंट टू द IMF फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया भी जो है वो लगभग उसी जो है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से गया था बाय द एंड ऑफ 80s। ठीक, अच्छा, और उस टाइम से लेके अब तक हम बार 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 बिकॉज वी हैव नो चॉइस, हम अपने वो जो एक लिमिटेड प्रॉब्लम से हम लोग बाहर ही नहीं आ रहे और हम उसके अंदर ही स्टक हैं, वी आर स्टिल स्टक इन द लो इनकम ट्रैप, तो हम बार बार वी हैव टू रिजॉर्ट टू द IMF। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं कि जब आपका रुपी डी वैल्यू होता है तो उससे क्या मसला होता है। यस, मानूर इज राइट, तो हम पहले तो उसको लेके जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब आपका रुपी डी वैल्यू होता है तो उससे आपको फायदा क्या होता है, फायदा बेसिकली आपको सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, शॉर्ट रन में आपको छोटा सा इंजेक्शन मिल जाता है डॉलर्स का, लॉन्ग रन में आपको ये बैकफायर करता है। ठीक, अब रुपी का डी वैल्यू होना हमारे केस में बहुत नुकसानदेह है, वेयर एज इन केस ऑफ चाइना अपनी उसकी वो जो है करेंसी है उसको वो जानबूझ के डी वैल्यू रखता है। क्यों? क्योंकि उसका इसमें फायदा है। अब वो फायदा इस तरह से है कि जब आपका रुपी डी वैल्यू होता है ना तो आपकी एक्सपोर्ट जो है ना, जो कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेचनी है, उसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में फॉल कर जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका रुपी इन कंपैरिजन टू डॉलर वैल्यू में फॉल करता है तो आपके रुपी की वैल्यू गिर गई लेकिन डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी ट्रेड होती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब आपके रुपी की वैल्यू गिर गई तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगी। तो जब आपकी एक्सपोर्ट चीप हो जाएगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट आगे खरीदेंगे बिकॉज वो अब लेस एक्सपेंसिव हो गई है। ठीक, तो क्या होगा, आपको जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास यू हैव द इनफ्लो ऑफ डॉलर। तो ऐसे मुल्क जिनके पास आपके पास शॉर्ट टर्म में आपके पास ट्रेड का जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड यू हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, आपको डॉलर की इनफ्लो की जरूरत है, तो फिर जो है ये IMF आपको आके बोलते हैं आप ये करें, आप अपने रुपी को डी वैल्यू करें, आपकी एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा सेल हो जाएगी और आपके पास एकदम से इनफ्लो ऑफ डॉलर आएगी। फाइन, इससे आपको शॉर्ट रन में एक दो महीने में आपको रिलीफ मिलता है कि यू हैव सम इनफ्लो ऑफ डॉलर, लेकिन उसके बाद ये बैकफायर करती है। अब वो बैकफायर क्यों करती है, क्यों? क्योंकि जहां पे आपके रुपी की वैल्यू गिरने से एक्सपोर्ट चीप होती है ना, आपकी इंपोर्ट उतनी महंगी हो जाती है। और अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान इज एन इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। इतने सालों से सिंस 1947 पाकिस्तान हैज बीन क्रोनिकली सफरिंग फ्रॉम अ वेरी लो एक्सपोर्ट बेस। पाकिस्तान की अब भी जो एक्सपोर्ट है इट इज सेंटर्ड अराउंड योर प्राइमरी प्रोडक्ट्स। आप ये गंदुम बेच रहे हैं, ये दालें बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, ये वेजिटेबल्स बेचते हैं, मीट बेचते हैं, सो आपकी तो एक्सपोर्ट बेस ही इतनी नैरो है।
आप यू आर प्राइमरली एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, हम हर चीज तो जो है हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं. सो हमारे केस में रुपी की डीवैल्यूएशन एक दो महीने के बाद बैकफायर कर जाती है बिकॉज इन इफेक्ट हम इम्पोर्ट उतना ही कर रहे होते हैं. सो आपकी इम्पोर्ट महंगी हो जाती है, फिर वो आपको बैकफायर करती है. ये तो आपका हो गया एक्सटर्नल फ्रंट पे नुकसान. इंटरनली आपको इसका नुकसान ये होता है कि जब आपके रुपी की वैल्यू फॉल करेगी तो डोमेस्टिकली चीजें महंगी हो जाएंगी. एज महानूर सेड कि आपके पास इन्फ्लेशन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपके रुपी की वैल्यू गिर गई है ना डोमेस्टिकली. तो अब जो पहले सेब आपको मिलता था एक 20 रुपए में, अब वो आपको मिलेगा 40 रुपए में क्योंकि आपके पास इन्फ्लेशन हो गई है. तो उसे आम आदमी जो है उसको ये तकलीफ होती है बिकॉज आर परचेजिंग पावर फॉल्स. सो आपके पास दो नुकसान होते हैं, डोमेस्टिकली यू हैव इन्फ्लेशन और आपका अल्टीमेटली आउटफ्लो ऑफ डॉलर बढ़ जाता है बिकॉज आपकी इम्पोर्ट महंगी हो जाती है. ठीक, यस, प्राइस इंक्रीज होने का मतलब यह है कि आपके पास इन्फ्लेशन हो रही है. ठीक, अच्छा, अब उसके बाद ये देखें कि अब चाइना को इस चीज से इतना प्रॉब्लम नहीं होता. व्हाई? बिकॉज चाइना के पास बहुत ह्यूज एक्सपोर्ट बेस है. चाइना कि इतनी हैवी, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसकी एक्सपोर्ट बेस बहुत ज्यादा है. सो उसके तो फायदे में होता है कि लो प्राइस पे वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी जो एक्सपोर्ट है उनको वो थ्रो अवे करे, डंप करे, बिकॉज इट हैज अ लॉट टू एक्सपोर्ट. सो इफ इट वर्क्स वेल फॉर चाइना, इफ इट वर्क्स वेल फॉर जापान, इट does not mean that it will work equally well for us because our economic realities are different, because our export base is very narrow. Hame wo backfire karti hai. So this is a classic example of argumentation ke why the policies imposed by the IMF do not work well in the interest of our economy. So ye do points maine aap logo ko explain kar di hain. Iske ilawa they have I guess 3 or 4 more of these conditions. Theek? जो कि आप उनके पॉइंट्स आपको इंटरनेट पे बहुत आराम से मिल जाएंगे. दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है. जो दो इसके अंदर मेन थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं. बट यू गाइज गॉट टू हैव योर ओन होमवर्क डन ऑन दिस बिकॉज एज बीइंग अ सीएसएस एस्पिरेंट माई सेल्फ एट सम पॉइंट आई वुड हाईली रिकमेंड कि बड़ा जरूरी है. इसको आप अपने इसके ऊपर नोट्स वगैरह भी बनाएं. ठीक है, तो ये आपको वैसे भी ओवरऑल बहुत हेल्प करेगा जाके. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट के वाई इफ वी गो फॉर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, उससे आप लोन लेके व्हेन यू गो फॉर दिस तो आपके पास क्या क्या नुकसान होते हैं. यू आर बाउंड टू फॉलो सच कंडीशंस जो कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबलाइज होने की बजाय उल्टा उसको और खराब करती हैं. ठीक, अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को वैसे ही ब्रेक देने वाली हूँ फॉर 15 मिनट्स. Let me just see के time हो गया. Yep, it's time for you to take a break. अभी आप लोगों के पास break है for like 15 minutes. उसके बाद हम लोग जो है वो resume करेंगे. ठीक है, अब आप लोगों को break मिल रही है. But be back after exactly 15 minutes. उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा जो है ना वो दोबारा दे दूंगी कि आप लोगों को याद आ जाए कि हम क्या कुछ जो है ना पढ़े थे. ठीक है, चलो take a break.